ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जो क्या करता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है। जैसे मान लो पिछले इलेक्ट्रिसिटी आ रही है डैम से बन के सिर्फ 2 वोल्ट पे आ रही है और हमारे घरों के इक्विपमेंट कितने वोल्ट पे चल रहे हैं, 220 पे चलते हैं, तो ट्रांसफार्मर 2 वोल्ट को 220 में कन्वर्ट कर देगा। और अगर पीछे से बिजली आ रही है 2000 वोल्ट पे, हमारे घरों के इक्विपमेंट 220 पे चलते हैं, तो 2000 से 220 भी कर देगा। तो यानी कि स्टेप अप भी कर सकता है वोल्टेज को, स्टेप डाउन भी कर सकता है। कैसे करता है अभी समझाएंगे। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है, लोहे का बना हुआ ये कोर है, यहाँ पर एक वाइंडिंग है, तारें लपेट रखी हैं और यहाँ पर भी अलग वाइंडिंग है। ये इनका आपस में कोई लेना देना नहीं, बस ये पास पड़ी हुई हैं। ये हमारा घर है जहाँ पर लोड रेजिस्टेंस लगी हुई है, घर तक वोल्टेज आ रही है और मान लो ये डैम से पीछे से बिजली आ रही है, ठीक है। और ट्रांसफार्मर एसी के ऊपर ही काम करता है, चेंजिंग वोल्टेजेस चेंजिंग करंट पे काम करता है और डीसी पे बिल्कुल काम नहीं कर रहा, बैटरी वाले करंट इसमें ये काम नहीं करेगा। पता लगे आप 5 वोल्ट की बैटरी मार्केट से परचेज कर लाए और आपको 220 पर कन्वर्ट कर दूंगा, फिर नहीं चलेगा, ठीक है यहाँ तक। तो इसके अंदर इस सेक्शन को बोलते हैं प्राइमरी, इसको बोलते हैं सेकेंडरी। इसमें कितनी बार लपेट रखा है इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स N1, और इसमें तारों को कितनी बार लपेट रखा है N2, N1 एंड N2, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है क्या डिवाइस है, अ डिवाइस है, अ स्पेस भी है, एडवाइस नहीं है। ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज फॉर चेंजिंग AC वोल्टेजेस। ट्रांसफार्मर विच इंक्रीजेज AC वोल्टेज इज नोन एज स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और जो डिक्रीज करेगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। प्रिंसिपल, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, और म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल ये है, व्हेन एवर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल चेंजेस, तो EMF इज डेवलप्ड इन द नेबरिंग कॉइल। आपने प्रिंसिपल लिख देना है। फिर आपने इसमें कंस्ट्रक्शन में सबसे और वर्किंग में क्या लिखना है कि जो सेकेंडरी का मतलब आउटपुट है उसमें इंड्यूस्ड EMF कितनी है, माइनस N d∅ dt। N का मतलब सेकेंडरी, EMF का मतलब सेकेंडरी, और प्राइमरी सेक्शन में EMF EP है तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, NP है। अब ये कॉइल्स की ओरिएंटेशन इतनी पास होती है कि जितना फ्लक्स का चेंज फर्स्ट कॉइल में होता है उतना ही फ्लक्स का चेंज सेकेंड कॉइल में होता है, तो d∅ dt दोनों में एग्जैक्टली क्या रहता है, सेम। तो अगर आप इन्हें डिवाइड कर लें, डिवाइड करने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा, दैट इज नंबर ऑफ EMF इन सेकेंडरी, EMF इन प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी। ये फॉर्मूला प्लीज याद करें। फायदा देखो इस फॉर्मूले का, अगर प्राइमरी के अंदर पीछे से वोल्टेज 2 वोल्ट आ रही है बस, और नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में 2000 हैं और प्राइमरी में 10 कर देता हूं, तो जरा ये नंबर ऑफ टर्न तो मेरे हाथ में है ना, कितने लपेटने हैं वो तो मैं ही कर सकता हूं, तो ये कट गया। तो सेकेंडरी की वोल्टेज देखो कितनी आ रही है, 200 को मल्टीप्लाई करने का 2 कितना आएगा, 400 वोल्ट। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, 2 वोल्ट का सीधा 400 वोल्ट कर दिया। कैसे, सिर्फ बाय चेंजिंग नंबर ऑफ टर्न्स। तो ऐसी आप कम भी कर सकते हो, ऐसी आप ज़्यादा भी कर सकते हो। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करता रहता है, क्योंकि अगर ये रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो सेकेंडरी वोल्टेज बढ़ी है प्राइमरी छोटी है। उल्टा भी तो हो सकता है, मैं इसको 2 वोल्ट कर दूं, इसको 2 टर्न्स कर दूं, इसको 2000 कर दूं, तो फिर ये स्टेप डाउन की तरह काम करेगा, फिर वोल्टेज बढ़ने की बजाय क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पहला फॉर्मूला सबको क्लियर है। तो नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी एंड प्राइमरी की रेशियो को K बोलते हैं, K का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो ये बताया जाता है कि अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो सेकेंडरी की वोल्टेज प्राइमरी से बड़ी है, इसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और अगर K की वैल्यू लेस देन वन है तो इसको क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्लियर है। अब जो प्राइमरी सेक्शन है उसमें पावर कितनी आती है, ये पावर आएगी वोल्टेज इंटू करंट पावर है, प्राइमरी में इतनी पावर है, सेकेंडरी में कितनी पावर आएगी, ES इंटू IS। अब अगर ये ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट है, हम जो ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं ये एक आइडल ट्रांसफार्मर है, और आइडल ट्रांसफार्मर का मतलब 100% एफिशिएंट है, इसमें एनर्जी का लॉस हम नहीं ले रहे, तो प्राइमरी और सेकेंडरी पावर बराबर रहेगी, कोई एनर्जी का कोई पावर का लॉस नहीं है। और अगर ये 100% एफिशिएंट है तो इनपुट आउटपुट पावर सेम, तो यहाँ से वोल्टेज इन सेकेंडरी, वोल्टेज इन प्राइमरी, करंट इन प्राइमरी, करंट इन सेकेंडरी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, क्रॉस मल्टीप्लाई करके।
लेकिन मैंने आपको क्या समझाया अभी, ये नंबर ऑफ टर्न्स के साथ ऐसे रिलेटेड है। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, तो नंबर ऑफ ईएमएफ का नंबर ऑफ टर्न्स के साथ क्या रिलेशन है और करंट का नंबर ऑफ टर्न्स के साथ क्या रिलेशन है, समझ में आ रहा है? तो फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे। नंबर ऑफ टर्न्स ईएमएफ की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ टर्न्स है और करंट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स है, और ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब कोई एनर्जी का लॉस नहीं है। अगर एनर्जी का लॉस है तो फिर आप यूज करेंगे एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। आउटपुट में कौन है? सेकेंडरी। इनपुट में कौन है? प्राइमरी। तो ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा न्यूमेरिकल्स में जब ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट नहीं है। अगर 100% एफिशिएंट है तो ऑब्वियसली एफिशिएंसी 1 आ जाएगी, तो इनपुट और आउटपुट पावर एकदम सेम हो जाएगी। क्लियर है ये फॉर्मूला?